हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। कैसे आप सभी लोग, आई होप सब मस्त होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता है भाई, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और आपको सामने दिख रहा होगा आईआईटी दिल्ली एमटेक एडमिशन, एमएसआर, एमएस रिसर्च एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसका। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों को जल्दी थी ये जानने की कि इस बार फीस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले आया था तो कभी भी बढ़ सकती थी ऐसा सुनने में आया था। ठीक है, तो वो भी डिस्कशन रहेगा। इसके अलावा आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कंप्यूटर साइंस में आप पास आउट होने चाहिए तो आप ओनली देन यू कैन गो फॉर एमटेक सीएस। ठीक है, या फिर गेट सीएस से आप कौन सी दूसरी ब्रांचेस में अप्लाई कर सकते हो, ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, बने रहिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भाई, कल से ही मार्च 14 से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट आपकी आपको मेंशन है अप्रैल 11। ठीक है, रिजल्ट सॉरी रेंज ऑफ डेट्स फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये चेंज भी हो सकती है रेंज। ठीक है, हो सकता है आपका टेस्ट लिया जाए, हो सकता है आपका इंटरव्यू हो, इस बारे में हम थोड़े से देर बाद बात करेंगे। पहले आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, बाकी तो टू बी अनाउंस्ड लेटर है। कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट सबमिशन क्या रहेगा, ओरिएंटेशन कब शुरू होगा, क्लासेस कब शुरू होगी, बट मेन जो यहाँ पर मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि मार्च 14 यानी कि कल से शुरू हो चुका है और कब खत्म होगा, लास्ट डेट कब रहे, अप्रैल 11। जाइए और जल्दी से अप्लाई करना शुरू करिएगा। ठीक है, तो आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो गेट सीएस स्कोर के साथ। तो अगर आप एमटेक के लिए जाना चाह रहे हैं तो जनरली हम सोचते हैं सिर्फ एमटेक, जो आईआईटी दिल्ली का प्रोग्राम है एमसीएस, सिर्फ वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर आर अदर प्रोग्राम्स एज वेल। एमटेक के अंदर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि सबसे मेन है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, जो जाना चाहते हैं, एमसीएस उसका कोड है, तो मैंने ब्रैकेट में सबका कोड लिखा हुआ है और प्रॉपर उसका एमटेक प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हो, मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, जो कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एकेडमिक यूनिट है उन्होंने शुरू किया है इसी साल एमटेक एडमिशन, तो इसमें मल्टीपल ब्रांचेस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिनको थोड़ा सा गेट स्कोर जिनका कम होता है, कि वो भी आईआईटी जा सकते हैं। आईआईटी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज है जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज ब्रांचेज जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा VLSI टूल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी विद द कोड इज मेंशन। और अगर आप थोड़ा सा और स्कोप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, डेफिनेटली रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए तो इंटरव्यूज होंगे ही होंगे, तो वहां पर जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो मैंने मेंशन किए हैं कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही जो रिसर्च प्रोग्राम है उसका कोड भी मेंशन है, उधर आप अप्लाई कर सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हो, अगेन मशीन इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये जो प्रोग्राम है बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकेडमिक यूनिट, उधर भी अप्लाई कर सकते हो, एंड सेम गोज फॉर VLSI डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां सब आप अप्लाई कर सकते हो इन सभी ब्रांचेस में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आती है, दो जो प्रोग्राम है उनके लिए, एक तो एमसीएस प्रोग्राम एंड द अदर इज JVL, दैट इज VLSI टूल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एमटेक। क्या है यहां पर, देखिए एमटेक सीएस फॉर आईआईटी दिल्ली, वहां पर किसी भी ब्रांच जिसने बीटेक किया हुआ है किसी भी ब्रांच में, हर वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, सिर्फ यहां पर जो मेंशनड है उसी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कहने का मतलब क्या है, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर MSc ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर MSc MA MSc मैथ्स, ठीक है, विद एक्सपोजर जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है, या फिर MCA अगर आपने किया हुआ है विद मैथ्स एंड साइंस एट BSc लेवल, देन ओनली यू कैन अप्लाई। ठीक है, ये मतलब जो दूसरे ब्रांचेस के हैं, जैसे दूसरे IITs में कई बार होता है कि अगर आपने गेट CS में पेपर दिया हुआ है देन यू कैन टेक एडमिशन, बट यहाँ पर IIT दिल्ली का ये है कि आप अगर CS में, बेसिकली जो कोर CS ब्रांच है एमटेक के लिए, कौन सा कोड, दिस वन फॉर द MCS, सबसे मेन जो है, इसके लिए आपको जो आपका प्रायर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इनमें से ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो गेट स्कोर है वो इस ब्रांच में होना चाहिए, जैसे कि वो आपको पता है नॉर्मली, ठीक है, गेट कंप्यूटर साइंस में। एंड सेम गोज फॉर एमटेक प्रोग्राम इन VLSI डिजाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आपके सामने मेंशनड है कि आपका जो बीटेक है वो कहां से होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इन चीजों पर ध्यान देना। ठीक है, तो यहां पर भी आप गेट CS स्कोर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन प्रोसीजर,
सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है, कुछ भी आपको ऑफलाइन सेंड नहीं करना है कहीं पर भी, ठीक है, कोई पोस्ट नहीं करना है, चीज़ें आपके सामने ये लिंक मेंशन है, ये कमेंट में भी आ जाएगा कि आपको इस पे जा करके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है आपको भाई, कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है, 200 फीस फॉर जनरल OBC एंड EWS एंड SC ST PWD वालों के लिए 50 रुपीज़ होगी, ओके, एंड दिस फीस इज़ नॉन रिफंडेबल एज मैंशन। अब एलिजिबिलिटी की मैं बात कर लूँ तो ओवरऑल हम देख चुके हैं, अब एक जो बेसिक एलिजिबिलिटी आ जाती है वो ये है कि भाई आपकी बीटेक होनी चाहिए, वो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, जो दो इंपॉर्टेंट थी VLSI के लिए और MCS प्रोग्राम के लिए कि वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर ओवरऑल लिखा हुआ है बाकी सब ब्रांचेज के लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि जो आपकी मिनिमम परफॉर्मेंस रही हुई है, क्वालिफाइंग डिग्री जो रही है, उसके अंदर 60% होना चाहिए और वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पर आता है कि भाई सिर्फ गेट स्कोर से एडमिशन हो जाएगा क्या? इट कंप्लीटली डिपेंड्स, यहां पर ये प्रॉपर मेंशन है इंफॉर्मेशन ब्रोशर से, ये हमने सारी डिटेल निकाली हुई है, ठीक है। ये एकेडमिक यूनिट पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वो सिर्फ गेट स्कोर के बेस पे लेंगे या उनको इंटरव्यूज भी लेने हैं। इंटरव्यूज अगर होंगे तो जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होंगे। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर ओ हियर। आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर सपोर्ट की, कि भाई आपकी असिस्टेंस रहने वाली है क्या? तो वो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। 12,400 रुपये आपके, जैसे कि मेंशनड है, दैट इज गोइंग टू बी योर स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके अलावा आपको उस चीज़ के लिए, ये जो असिस्टेंसशिप आपको मिलेगी, इसके लिए आपको 8 आवर्स पर वीक काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अलग से भी कुछ मिल सकती है असिस्टेंटशिप वर्क के लिए, जो आपको अमाउंट मिल सकता है दैट इज 3,000 पर मंथ। और भी स्कॉलरशिप है जो कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट से जा करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ये आपको ऑफर है, आपके लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप बन जाती है, ठीक है, जब आप एमटेक कर रहे हो ऐसे किसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। आगे बढ़ते हैं, मैं फीस की बात करता हूँ तो आपके सामने है भाई, ट्यूशन फीस ये है अदर चार्जेस के साथ, हॉस्टल सीट अगर देखे, ठीक है, हॉस्टल सीट रेंट एंड अम्यूनिटी चार्जेस, कुल मिला के जो आपका खर्चा बन जाता है दैट इज 69,100, एंड फॉर SC ST PWD इट इज गोइंग टू बी 44,100, ठीक है। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स कि हॉस्टल आपको मिल रहा है या फिर अगर वो ऑनलाइन ही सेशन चल रहा है, इन दैट केस ये वाली फीस नहीं रहेगी, ठीक है। ओनली वेन यू आर गोइंग फॉर ऑफलाइन क्लासेज विद इन इंस्टीट्यूट, और जब आपको हॉस्टल सीट मिल रही है, देन ओनली यू विल बी पेइंग दिस मच, ओके। तो टोटल जो बनेगा इन दैट केस, ऑफलाइन जब आप हॉस्टल के साथ पढ़ रहे हो अंदर, दैट इज 69,100 फॉर जनरल OBC एंड EWS। और मेस की अगर बात कर ले खाने पीने की, तो आपके सामने मेंशन है सब कुछ, जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी डिटेल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बता दूं कि IIT दिल्ली में रिसेंटली बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, और कोविड की वजह से बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क था जो चल रहा था, दैट हैज बीन, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। तो सभी को कैंपस में अकोमोडेशन मिलेगा क्या, हॉस्टल्स मिलेंगे क्या? दैट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, कुछ को बाहर भी रहना पड़ सकता है, बट IIT दिल्ली विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फैसिलिटेट दी स्टे आउटसाइड द कैंपस, ओके। तो ये था ओवरऑल एक आपको आइडिया देने के लिए अच्छा खासा इंफॉर्मेटिव वीडियो था, जिसमें बताया कि भाई एडमिशन चालू हो चुके हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जाइए और करिए फॉर MTech MSR प्रोग्राम इन IIT दिल्ली फॉर एडमिशन 2022, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, जो लिंक है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको कमेंट में मिल जाएगा, जो ये वाला लिंक है, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।